हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं भगवत दांगी और आप देख रहे हैं एग्जाम गुरुजी चैनल का डेली करंट अफेयर्स। और आज है 24 जुलाई 2018। और आज की वीडियो की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो विजिट करें आप हमारी वेबसाइट पर या हमें ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर। दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एमपीपीएससी 2019 के वीडियो कोर्सेज, साथ में एमपीएसआई 2018 का और संविदा वर्ग 2 वर्ग 3 की वीडियो कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें या कॉल करें 09826590517 पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला सेगमेंट जहां हम बात करते हैं कल के हमारे पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि कहां वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर का पहला अनावरण किया गया। तो ये अनावरण किया गया दिल्ली के अंदर और दिल्ली में भी चांदनी चौक पर। दूसरा प्रश्न है कि भारत का पहला सिरेमिक्स त्रैवार्षिक कहाँ आयोजित होगा। तो ये आयोजन किया जाएगा जयपुर के अंदर। तीसरा प्रश्न है किस शहर ने दुनिया के सबसे चलने योग्य शहर बनने के लिए कार्य योजना शुरू कर दी है। तो ये वो शहर है जिसका नाम है लंदन, जो कि राजधानी है यूनाइटेड किंगडम की। चौथा प्रश्न है कि नासा किसके वातावरण में पार्कर सोलर प्रोव प्रक्षेपित करेगा। तो जो है नासा ने ये जो है सूर्य के वातावरण में प्रक्षेपित करेगा। पांचवा प्रश्न है कि भूवैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के नवीनतम युग को किस नाम से स्वीकृत किया गया। तो इसका नाम है मेघालय। और इसमें मैं एक भूल सुधार करना चाहता हूँ, कल 1950 तक इसकी एज बताई गई है, 4200 वर्ष में टोटल, लेकिन ये 1950 तक नहीं है, वर्तमान में भी हम इसी युग में जी रहे हैं। तो इसको क्लियरिफाई ICS ने खुद किया है। तो ICS ने पहले गलत ट्वीट कर दिया था 1950 तक का, फिर इसको खुद सुधार दिया है और अभी वर्तमान भी वही युग चल रहा है जिसका कहा जाता है मेघालय युग। छठवां प्रश्न है कि किस मंदिर ने सबसे पहली बार ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। तो ये जो मंदिर है ये तेलंगाना का यदागिरिगुट्टा मंदिर। सातवां प्रश्न है किस प्रदेश सरकार ने अंतरजातीय जोड़ों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है। तो ये सरकार का नाम है तमिलनाडु सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। आठवां प्रश्न है किस राज्य की पुलिस ने अफवाहों की जाँच के लिए डिजिटल स्वयंसेवक अभियान शुरू किया। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। नवा प्रश्न है 2020 टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसका नाम है मेरेटोवा, याद रखिएगा। क्या नाम है उसका? मेरेटोवा। वहीं दसवें और अंतिम प्रश्न की बात कर लें तो जकार्ता में आयोजित होने वाली बैडमिंटन एशिया जूनियर्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता। तो ये जो खिताब जीता था लक्ष्य सेन जी के द्वारा जीता गया था। ये थे कल के करंट अफेयर के प्रश्न। हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। हमारा आज के करंट अफेयर के प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन देशों की यात्रा पर गए हैं। तो तीन देशों की यात्रा पर गए हैं और वो पहुंचेंगे रवांडा, रवांडा के बाद युगांडा और युगांडा के बाद दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे। चलिए डिटेल में हम इसकी चर्चा करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 24 जुलाई के बीच में किस कहाँ होंगे? रवांडा में, युगांडा में 24 से 25 के बीच में होंगे और दक्षिण अफ्रीका में 25 से 27 के ये राज्य की यात्रा रहेगी। और यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद करने के लिए वो है कि रवांडा में पहली बार जो है किसी भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा होगी। वहीं 20 वर्षों के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री युगांडा की यात्रा पर भी जाएगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका की यात्रा ब्रिक्स जो देश है उनका शिखर सम्मेलन आयोजित होना है उसके संदर्भ में पहुंची है। यहाँ पर बात करते हैं हम रवांडा की। सबसे पहले रवांडा की राजधानी किगाली है, राष्ट्रपति हैं पॉल कगामे और मुद्रा है कि रवांडा फ्रेक और एक इंडियन रुपीज़ में 12.7 रवांडा फ्रेक होते हैं। वह युगांडा की बात करें तो राजधानी यहाँ की कंपाला है, राष्ट्रपति हैं युयवेरी मुसेवेनी और मुद्रा है युगांडो सिलिंग यहाँ की और एक इंडियन रुपीज़ में 54 युगांडियन सिलिंग होती हैं। बात करते हैं हम दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका में राजधानी प्रोटेरिया है जो कि कार्यपालिक राजधानी है, केपटाउन यहाँ की विधायी राजधानी है और ब्लोमफोंटेन जो है यहाँ की न्यायिक राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? साइरिल रामाफोसा जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मुद्रा है यहाँ की रेंड और एक इंडियन रुपीज़ में रेंड के अंदर 5 इंडियन रुपीज़ होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह है हमारा भारत और हमारे भारत से अफ्रीका की इन तीनों कंट्रीज़ के लिए जाना होगा। तो आपको जाना होगा पूर्व की तरफ। जैसे ही थोड़ा सा आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो अंतरिक्ष की तरफ से एक नीले कलर का बॉक्स आपको दिखाई देगा, डब्बा दिखाई देगा। ये विक्टोरिया झील है जिसे नील नदी का उद्गम होता है और यहीं पर है युगांडा और उसी के जस्ट नीचे है रवांडा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहले देखेंगे युगांडा की। तो युगांडा जो केन्या के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तंजानिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, रवांडा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और सऊदी सुडान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इन देशों के साथ युगांडो की बाउंड्री शेयर होती है। वहीं हम बात करें रवांडा की, तो रवांडा भी तंजानिया से
बुरुंडी से और इस तरफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से उसकी जो है सीमा लगी हुई है। किसकी सीमा लगी हुई है? रवांडा की। अब हम बात करेंगे इसमें जो हमारा एक और देश है जिसकी यात्रा करेंगे, वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ भी यात्रा करेंगे मोदी जी। और साउथ अफ्रीका के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप सभी को पता है, साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है, वो तीन राजधानियाँ हैं यहाँ पर। कौन कौन सी तीन राजधानियाँ हैं उनके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर है प्रोटेरिया, जो कि यहाँ की राजधानी है, और उसके नीचे आप देखेंगे तो उसके नीचे है ब्लूम फाउंटेन, और ये जो है ब्लूम फाउंटेन यहाँ की न्यायिक राजधानी है। और तीसरा है कैपटाउन, यहाँ पर देखेंगे तो कैपटाउन भी यहाँ की राजधानी है, और कैपटाउन जो है यहाँ की विधायी राजधानी है। तो इतना आप याद रखिएगा। इसके अंदर एक और छोटा सा देश है। इस देश के अंदर भी एक देश है जिसको कहा जाता है लोसेथो। याद रखिएगा, लोसेथो इस देश के अंदर एक और देश है जो चारों तरफ सिर्फ इसी देश से घिरा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ये लोसेथो, ठीक है, तो ये इसी देश के अंदर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो केंद्र सरकार ने मॉब लिंचिंग को किसकी अध्यक्षता में को लेकर किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो ये समिति का गठन किया गया है केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में। याद रखिए, केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में मॉब लिंचिंग को लेकर जो स्थिति होती है उससे निपटने के लिए एक समिति बनाई गई है जो सिफारिश करेगी। बात करते हैं डिटेल में, तो केंद्र सरकार ने मॉब लिंचिंग मतलब एक भीड़ के द्वारा जो किसी लोगों को परेशान किया जाता है, चाहे वो गुनहगार हो या गुनहगार ना हो, तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। और इसी को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च समिति का गठन किया गया है। तो इसमें आप ये याद रखिएगा, इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं न्याय विभाग, कानूनी मामलों के विभाग, विधायी विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। इन विभाग के सचिव इस समिति के जो है सदस्य बनाए गए हैं, और 4 सप्ताह के अंदर यानी लगभग 1 महीने के अंदर ये जो समिति है अपनी अनुशंसाएं सरकार के समक्ष रखेगी। बात करते हैं हम यहाँ के गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री जो भारत के वर्तमान में है राजनाथ सिंह जी हैं। तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं, सीमा घाटों पर भारत और किस देश की संयुक्त समिति की बैठक हुई? सीमा घाट क्या होता है? जो सीमा है वहाँ पर जो छोटे छोटे हाट लगते हैं जिन्हें बाजार भी कहा जाता है गांव की भाषा में, तो उनको हाट या बाजार कहा जाता है, तो सीमा पर लगते हैं, तो उनसे जो है इनके लिए समिति की आयोजित की गई थी। ये बांग्लादेश के साथ की गई थी, याद रखिएगा बांग्लादेश। इसकी डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सीमा हाट पर भारत बांग्लादेश संयुक्त समिति की बैठक हुई 22 और 23 जुलाई को, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी बैठक हुई थी। बैठक में दोनों पक्षों ने जो है सीमा पर जो हाट है उनके बारे में माना कि ये जो है सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं लोगों के जीवन पर, इसको इन्हें बनाए रहना चाहिए। इवन 6 नए सीमा हाट बनाने के लिए एक निश्चित समय किए जाने के पर भी चर्चा हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। बात करेंगे अब हम बांग्लादेश की, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। प्रधानमंत्री है शेख हसीना और मुद्रा है यहाँ की टाका, और 1 इंडियन रुपीज़ में 12.2 बांग्लादेशी टका होता है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की, तो किस खाड़ी देश ने महिलाओं को हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति दी है? तो ये जो खाड़ी देश है जिसे महिलाओं को हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति दी गई है, संयुक्त अरब अमीरात में दी गई है। याद रखिएगा, UAE संयुक्त अरब अमीरात में दी गई है। क्या है डिटेल इसकी चर्चा करते हैं कि किस देश में महिलाओं को हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति प्रदान की गई है? तो उस देश का नाम है सऊदी अरब। याद रखिएगा, सऊदी अरब में जो महिलाएं हैं उनको हवाई जहाज उड़ाने की भी अनुमति दी गई है। तो रूढ़िवादी माना जाता है सऊदी अरब देश, लेकिन उसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। पिछली बार एक जो है आदेश कहा गया था, उसमें महिलाओं को पहली बार ड्राइविंग की अनुमति दी गई थी, अब पहली बार जो है इसमें फ्लाइंग की अनुमति दे दी गई है। और वहाँ के जो राजकुमार हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कई साहसिक फैसले लिए हैं जिनकी दुनिया भर में तारीफ हुई है। बात करते हैं अब हम सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, और मुद्रा हैं कि जो है सऊदी रियल है। मैप में आप सऊदी अरेबिया को देख सकते हैं। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, तो किस बैंक को बहरीन, कुवैत और सिंगापुर में कार्यालय खोलने के लिए RBI ने अनुमति दी है? तो इस बैंक का नाम है फेडरल बैंक, जिसको RBI ने अनुमति दी है। डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, तो निजी क्षेत्र का ऋणदाता है फेडरल बैंक, उसको बहरीन, कुवैत और सिंगापुर में कार्यालय खोलने के लिए अनुमति मिल गई है हमारे यहाँ से, लेकिन वहाँ की स्थानीय मंजूरी यानी लोकल मंजूरी उस देश की मिलना बाकी है। और फेडरल बैंक के अपने भी वर्तमान में अबू धाबी और दुबई के अंदर जो है प्रतिनिधिमंडल काम कर रहे हैं। बात करेंगे अब हम फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक का मुख्यालय कोच्चि केरल के अंदर है, और इसके CEO और MD हैं
श्याम श्रीनिवासन, और राज्यपाल कौन है यहाँ के, गंगा प्रसाद। और टैगलाइन जो है इस बैंक की, वह है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके टैगलाइंस याद रखना, क्योंकि एसएससी वगैरह के पेपर में ये पूछा जाता है। बात करते हैं छठवें प्रश्न की, तो किस राज्य सरकार ने SC/ST के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला किया है। तो ये जो फैसला किया गया बिहार सरकार के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। क्या है डिटेल इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आरक्षण देने की शुरुआत की है। एक नए प्रकार का आरक्षण है, और इसके अंदर जो है SC के कर्मचारी होंगे उनको 16% और अनुसूचित जनजाति को 1% जो है आरक्षण इसके तहत दिया जाएगा। इसमें ऐसा कहा गया है, और ये इन्होंने क्यों किया, क्योंकि एक रिट दायर की गई थी और उच्चतम न्यायालय के आदेश में इस प्रकार की बात कही गई थी कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो है सरकार ने व्यवस्था की है। बात करेंगे अब हम बिहार की, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। और राष्ट्रीय घटनाओं की बात करें, राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, राजगीर अभयारण्य है, भीमगांव अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य है, और उदयपुर अभयारण्य है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, सातवां प्रश्न है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स यानी कि CPAI 2018 के अनुसार देश में सबसे बेहतर प्रशासित राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है केरल, जो है सबसे बेहतर प्रशासित राज्य है। डिटेल में हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो केरल देश में सबसे बेहतर प्रशासित राज्य की श्रेणी में चुना गया है। केरल के बाद दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, तीसरे पर है तेलंगाना, चौथे पर कर्नाटक, और पाँचवें पर है गुजरात। सबसे कम की बात करें, सबसे कम में है मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार, यानी बिहार में सबसे कम है, उससे ज़्यादा थोड़े झारखंड के अंदर है, और उससे अच्छे स्थिति जो है मध्य प्रदेश की है। बात करें छोटे राज्यों की, जिन राज्यों की आबादी 2 करोड़ से कम है, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर कौन है, गोवा है, तीसरे स्थान पर मिजोरम है, चौथे स्थान पर सिक्किम, और पाँचवें पर त्रिपुरा का नाम शामिल है। बात करेंगे अब हम केरल के बारे में, तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी, मुख्यमंत्री यहाँ के पी विजयन, और राज्यपाल हैं पी सदस्यम। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पेरियार नेशनल पार्क और वन यार्ड वन्यजीव अभयारण्य जो है यहाँ पर स्थित हैं। बात करेंगे नवे प्रश्न की, तो खेलो इंडिया योजना के तहत कितने युवाओं को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया है। तो इसके अंदर 534 युवाओं को चयनित किया गया है। डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं, तो भारत की खेल प्राधिकरण यानी कि उसका जो है साई, उसने खेलो इंडिया प्रतिभा पहचान विकास योजना के लिए स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत 734 खिलाड़ियों का चयन इसमें किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा, सरकार से मान्यता प्राप्त आजीवन जो आदिवासी अकादमिक प्रशिक्षण है वहां पर इनको प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा, और इन खिलाड़ियों को दैनिक खर्चे, इलाज और दूसरी सुविधाओं को पूरा करने के लिए एक सालाना यानी 1,20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो ये इसमें सब तय हुआ है। बात करेंगे अब हम इसके भारतीय खेल प्राधिकरण की, तो या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। उसका काम क्या है, खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, नोडल एजेंसी के रूप में ये काम करता है। बात करेंगे नवे प्रश्न की, तो भारत ने जूनियर एशिया चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने जो इस ये चैंपियनशिप हुई है इसके अंदर कुल 18 पदक जीत लिए, याद रखिएगा। कुल कितने पदक जीते हैं, कुल 18 पदक इन्होंने जीत लिए। डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं, तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित हो रही है जूनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता, और इसमें समापन हुआ 22 जुलाई को। इसमें 3 रजत पदक हमने जीते हैं, 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 8 कांस्य पदक सहित कुल 118 पदक हमने इसमें जीते हैं। भारत के जो फ्री स्टाइल के पहलवान हैं दीपक पूनिया, याद रखिए क्या नाम है इनका, दीपक पूनिया, और दीपक पूनिया और सचिन राठी के इस प्रतियोगिता के अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीते, और इस प्रतियोगिता के फ्री स्टाइल चैंपियनशिप में भारत उपविजेता रहा और ईरान 189 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। उज्बेकिस्तान की बात करें तो उसमें जो है 128 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बताया गया है। बात करते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की, तो भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए गए हैं सुनील छेत्री किए गए, याद रखिए किस किया गया, सुनील छेत्री को। डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं, तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल की कप्तान है कप्तान सुनील छेत्री को पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में जो है कमला देवी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। और छेत्री ने जो है अभी हाल ही में पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के बराबर 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने चारों देशों के इंटरनेशनल कप अभी आयोजित हुआ था
उसमें शानदार प्रदर्शन किया और युवा अनिरुद्ध थापा को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर इसमें चुना गया। तो ये थे हमारे करंट अफेयर के प्रश्न। अब हम बात करेंगे मैं भी ज्ञानी प्रतियोगिता 71 उसके विजेताओं के। हमने प्रश्न पूछा था कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM पुणे की स्थापना कब हुई थी, और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 17 नवंबर 1962। और सही उत्तर देने वालों में पहला नाम है राजेश कुमार सिंह वाराणसी उत्तर प्रदेश से, दूसरे हैं दीपक शर्मा हजारीबाग झारखंड से, तीसरे हैं मुकेश भूरिया रतलाम मध्य प्रदेश से, चौथे हैं रोशन कुमार बांका बिहार से, सोनू निगम भोपाल मध्य प्रदेश में। और ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। तो दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिक राजधानी क्या है, तो ये आज का हमारा प्रश्न है और इसका उत्तर दीजिएगा आप। ऑप्शन ए प्रोटीरिया, बी केपटाउन, सी ब्लोमफोटेन और डी डरबन। और उत्तर देते समय सबसे पहले अपना जो है नाम लिखें, नाम के बाद अपना उत्तर लिखें, उत्तर के बाद अपने प्रदेश या शहर का नाम लिखें। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।